अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर तो वीडियो। आज हमने बहुत प्यारा सा ये वाला आई लुक क्रिएट करना है, स्मोकी आई मेकअप बनाना है और उसके साथ हमने ये वाला ग्लिटर लाइनर अप्लाई करना है। किस तरह से मैंने ये लाइनर अप्लाई किया, बहुत मज़े के तरीके से मैंने ये वाला ग्लिटर लाइनर अप्लाई किया है। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सो यहाँ पे मैंने आईब्रोज को पहले ही बना लिया था और लेंसेज मैंने बहुत प्यारा से अप्लाई किए हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आई बेस बनाई मिस रोज़ के कंसीलर के साथ, उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक ब्राउन शेड लिया, सो उसको मैंने अपनी क्रीज पे अप्लाई किया। यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। सो मैंने एक सिंगल शेड लगाया था ब्राउन, तो उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैं उसके बाद ले रही हूँ ब्लैक शेड। मैंने एक फ्लैट ब्रश पे ब्लैक शेड लिया और उसको मैंने अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लेना है। स्मोकी आईज है इसलिए हमने सिर्फ काजल नहीं अप्लाई किया, तो जस्ट मैंने ना एक ब्लैक शेड अप्लाई कर लिया जिसकी पिगमेंट काफ़ी अच्छी थी। तो उसके बाद मैंने इसको अप्लाई करने के बाद ना मैंने इसके एजेस को ब्लेंड कर देना है, ताकि ये हमारी जो लाइन है ना क्रिएट हुई हुई, तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर दें और आईज़ हमारी जो है ना अच्छे से ब्लेंड हुई हुई लगे। सो एज़ यू नो के ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ आई मेकअप, ठीक है। तो अच्छे यहाँ से हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया और तो मैंने इसके बाद एक बड़ा ब्रश लिया है, ठीक है, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग हो गई है तो अब मैं यहाँ पे इसके एजेस को नीट कर लूँगी। सो आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। कि आप लोग को थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखाते वीडियो पे, सो बंदा फिर वीडियो क्या बनाए, बंदा डिसहार्ड हो जाता है, ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाती। तो अच्छा जी, लाइनर बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक मैंने पिगमेंट लिया है गोल्ड में, ठीक है, सो जो कि बहुत ही फाइन सा है। और मैंने कहाँ से लिया था आप लोगों को लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह के वैसे जो पिगमेंट्स है ना आप लोगों को बाजार में इजीली मिल जाते हैं। सो उसके बाद मैंने एक सेटिंग स्प्रे लिया है मैक की, यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं उसके। मैंने एक दो पंप लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। आप लोग देख सकते हो कितना मज़े का ये लाइनर अप्लाई होगा और ये कहीं भी नहीं जाएगा आपका जब तक आप लोग इसको खुद नहीं रिमूव करेंगे। इस तरह से आप लोग पिगमेंट लेके तो अपनी पसंद का जो है ना ड्रेस के साथ मैच करके तो आराम से लाइनर बना सकते हो। सो मैंने ये वाला पिगमेंट जो है ना ऑनलाइन लिया था, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से बाजार में मिल जाते हैं। सो आप लोग चाहें तो ग्लिटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो वाला इसके लिए ब्रश यूज़ किया था ना, मैंने एक और ग्लिटर लाइनर था उसका मैंने ब्रश यूज़ किया है। सो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने वो वाला लाइनर यूज़ किया है। सो लाइनर मैं वही लगा रही हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लोअर लैशेस पे काम किया है। लोअर लैशेस पे भी मैंने ब्लैक शेड लिया, उसको मैंने जो है ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया। सो इसके बाद हमने मस्कारा ले लेना है। मैंने मैक का मस्कारा लिया है, उसके साथ मैंने लैशेस को कर्ल कर लेनी है। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये लुक कैसी लगी, आप लोग ने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, लैशेस मैंने जो है ना अप्लाई करनी है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ बहुत ही मज़े की लैशेस मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा जी, ये मैं इनका लाइनर यूज़ करने लगी हूँ। तो ये मैग्नेटिक लाइनर है और इसको आप आराम से लाइनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। लाइनर मैंने बहुत प्रिसाइज़ लगा लिया है और इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं इनका लैश स्टाइलर टॉरस वो अप्लाई करूंगी और आप लोग देख सकते हो जस्ट मैंने लैशेस को सेंटर में रखा है और उसके बाद जो है ना मैंने इनको दोनों साइड से ज्वाइन कर लिया। बहुत इजीली जो है ना हमारी लैशेस अप्लाई हो जाएंगी। तो इसके साथ बिल्कुल भी मैसी नहीं होता लैश ग्लू के साथ, जैसे आप लोगों को होता है ना कि थोड़ा सा समटाइम नहीं भी लगानी आती, तो इससे आप लोग बहुत इजीली लैशेस अप्लाई कर सकते हो। इवन जिनको नहीं भी लगानी आती वो भी लगा सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।